जेहि सुमिरते सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर बंदहु प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाइन बरना हरिओ हरिओ हरिओ। तो कल हम लोग किष्किंधा कांड में देख रहे थे कि वास्तव में सदगुरु क्या होते हैं। आज मात्र सदगुरु का नाम है आपके समाज में, सदगुरु एक भी नहीं। क्यों? साफ साफ बात है, बंदहु गुरु पद कंज, मैं गुरु के चरण रज की वंदना करता हूँ। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुन्दर होते हैं, गठरी के नहीं। और महामोह तम पुंज, महामोह रूपी भी भ्रम, जासु वचन रवि कर निकर, जिनकी बाणी से महामोह भी दूर हो जाए। आज मोह नहीं दूर हो रहा है, महामोह तो ऊपर की बात हो गई। लोग 20-20 साल से पड़े हुए हैं और जो बैठा हुआ है आश्रमधारी, वह खुद ही जो है कि लोभ के बस में है, क्योंकि संतों को आश्रम मठ और कुटिया के निर्माण का हिस्सा बनने का नियम वेद और शास्त्र में नहीं है। ठीक ना? कल देखे आप, हम लोग इसी दोहा पर रुके हुए थे, वह भी गुरु के लिए पक्का पक्का बात शंकर जी की बाड़ी में है कि भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई, असद गुरु मिले जाहि जिमी संशय भ्रम समुदाय। वर्षा के कारण जितने अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होते रहे, वह शरद ऋतु पा करके भूमि के अंदर चले गए। उसी प्रकार सदगुरु जब मिले तो पहचान यही है कि संशय और भ्रम का जितना समुदाय है वो सब दूर हो जाना चाहिए। अगर दूर नहीं हो रहा तो फिर कैसे, बताइए कैसे सदगुरु? क्योंकि यहाँ पर जो नश्वर संसार जगत है, परिवर्तनशील, इसी को लोग सच मान बैठे हैं, और जिनका कभी नाश नहीं होता है उनमें प्रचंड रूप से मोह करते हैं। अरे भगवान कहाँ बोले, अहंकार भरावा ने। तो यह भ्रम है, अगर नश्वर को आप सच्चा मान रहे हैं
क्योंकि सत्य और असत्य में सुरेश भाई सत्य और असत्य में अंतर यह बा कि सत्य का नाश नहीं हो और जो असत्य रहला उकर नाश। जितना भी शरीर का जन्म होता तो में को शरीर अस्थाई रहे वाला नहीं, तो फिर शरीर सत्य नहीं हो सका। और शरीर में अगर मोह लगाए बा तो असत्य चीज में मन लगाए बा तो भ्रम रहबे करी, ठीक में। तो इसको कहते हैं भ्रम। असत्य में जब मन लगा है वह है भ्रम, और जब भगवान के ऊपर भ्रम हो जाए तो उसे कहते हैं महाभ्रम। तो गुरु का पहले ही यह नीति हो जाता है जो गुरु के स्थान पे बैठते हैं भाई, कि ईश्वर के अलावा उनको पास कोई आशा और भरोसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य के रूप में आपको वह ज्ञान प्राप्त हो गया, आप मोह ममता से अगर बाहर है तो फिर आश्रम कुटिया और तमाम पंथ निकालने की जरूरत नहीं, ठीक ना। क्योंकि इसके पहले माता शबरी या गिद्धराज जटायु जी, ये सब हवा की बातें नहीं है। अगर हवा की बातें होती तो आप ही देखिए, आप अगर अपने पिताजी लोगों से भी पूछेंगे सब कहेंगे बचपन से सुनते आ रहा है कि श्री राम नाम सत्य है। कहो भैया, अगर जो है कि अगर वो असत्य होते तो धीरे धीरे खत्म हो गया होता ने। तो स्थिति यह है कि सत्य को लोग न समझ करके असत्य यानी परिवर्तनशील और नश्वर जगत को ही जो सच्चा समझ रहे हैं भ्रम के कारण। और गुरु जब भ्रम के बाहर रहेगा तो गुरु का काम एक होता है, संत का नियम है कि पर उपकार बचन मन काया, असंत सहज स्वभाव खगराया। मन वाणी कर्म से पर उपकार, और पर उपकार तभी करेंगे जब आपका स्वार्थ खत्म हो जाएगा। स्वार्थ रही भाई तो उपकार कैसे करवे, जब झूठ छोड़वे तब ने सच के लगे पहुंचवे। झूठो चले और तब वो सच के लगे तब वो उपकार करो कैसे हुई। तो आज स्थिति यह है कि कलयुग का प्रभाव है कि जो प्रचंड कपटी मनुष्य शरीरधारी है वही गुरु बन के बैठा हुआ है, ये सब जगह नहीं है। एक किसी व्यक्ति को शांति देने वाला यहाँ धरती पर नहीं है, यही प्रेरणा मिली है हिमालय से। कोई भी अगर है तो उस ज्ञान का प्रभाव दिखाइए चरित्र में। दूसरे का ध्वन बिना मांगे लूट लिए तो गुरु वाह यार, उससे अच्छा तो डकैत वाह, कम से कम लोग जान होता है जान होता है ना कि डाका पड़ेगा भाई, डकैत वाह लूटेगा। बिना मांगे जो धन का हरण कर लेता है उसे बेस्या कहते हैं, क्योंकि आप लोग सांसारिक जीवन में हैं, जो किसी की नारी के विवश हो वो अपना भी धन ले करके, अगर कोई कहता है कि हम तो धन मांगते नहीं, आंख फूटा है, एयर कंडीशन में रहते हो, एसी गाड़ी से चलते हो, तुम अंधा हो क्या, बिना धन क्या आता है सब। क्योंकि बहुत ऊंची बाड़ी जाने की आवश्यकता है। और जितने पंथ हैं, ये देखिए जो रचना है ये भगवान शंकर जी की रचना है ना, और शंकर जी से बढ़ के भाग ज्ञानी कोई नहीं। बिना विरक्ति के वह ज्ञान मिल ही नहीं सकता। जब तक विरक्ति बैराग न हो सोचले धरती पे तो कोई सुख मिला नहीं, स्वर्ग में का बा होगा अगर दिमाग लगा बा तो तत्व का ज्ञान। धरती स्वर्ग बैकुंठ और मुक्ति
सारी इच्छाओं का जब त्याग कर देंगे और तब उसे कहते हैं वैराग्य, जो कि पुरुष का पहला तत्व है, और उसी के बाद योग शुरू होता है। और स्थिति है कि आपके पूरा समाज में, समाज का मतलब पूरी धरती का समाज, सिर्फ जो कंदरा में लोग रह करके तपस्या कर रहे भैया उनको छोड़ के एक बैरागी तक नहीं चले। तो आगे बढ़ते हैं और प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि वर्षा गत निर्मल ऋतु आई, अशुधि न तात सीता कै पाई, एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, काल हूँ जीती निमिख महुआनो। नरलीला कर रहे हैं, बता रहे हैं लक्ष्मण जी से कि वर्षा भी अब बीत गई और ठंडी का मौसम आ गया, शरद ऋतु, परंतु हे भाई सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। और कतहू रहौ जौ जीवती होई, तात जतन करी आनौ सोई। कते कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे भाई यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। असुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोश पुरे नारी। बता रहे हैं कि सुग्रीव राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। ध्यान दीजिएगा। और कहते हैं लक्ष्मण जी से कि जे ही सायक बारा मैं बाली, अते ही सरहतो मूढ़ कह काली। कहते जिस बार से बाली को मारा उसी बाण से उस मूड को भी कल मारूंगा। हाँ भुला गई ले। देखिए वो लक्ष्मण जी को बता रहे हैं तो यहाँ पर भ्रांश आता है कि राम जी तो गुस्सेल ना हुए के चाहिए, ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि जासु कृपा छूटही मद मुहा, ता कहूं उमा की सपने हूं कोहा। कहते जिनकी कृपा से घमंड और अज्ञान खत्म हो जाता है, मोह माने अज्ञान डॉक्टर साहब, जिनकी कृपा से घमंड और अज्ञान समाप्त हो जाता है, क्या ऐसे प्रभु को स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। हाँ तो यह बात जो अभी आप लोग सुन रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं ध्यान दीजिएगा सुरेश भाई कि जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, अजिन रघुबीर चरण रति मानी। यह ज्ञान जो ज्ञानी मुनि हैं, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में अपना प्रेम लगा रखा है अस्थाई रूप से, जिनको आश्रम नहीं बनाना है, चेला नहीं बनाना है, जो हर चीज से मुक्त होकर के मात्र प्रभु के चरणों में मन लगा रखे हैं, वे इस चरित्र को जानते हैं, हर कोई नहीं जान सकता। और कहते हैं कि लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, अधनुष चढ़ाई गहे कर बाना। लक्ष्मण जी भी यही समझ रहे हैं कि प्रभु क्रोध में हो गए,
तब धनुष बाण हाथ में ले लिए और उत्साह वीर रस से भर गए। तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणा सीव अभय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। तब कृपा की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाए कि हे भाई, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, मारने के लिए इतना व्यग्र मत हो। ठीक, आप लोग से यह एक विनती बा, कान मन बुद्धि और चित चार चीज यही में रखो जब तक कथा चलता, और जेकर तनको अगर बाहर जाए तो कथा के बाद बताई। ठीक ना? हाँ, कहे कि अति विचित्र रघुपति चरित का भयल। ठीक, अति विचित्र रघुपति चरित्र अजान ही परम सुजान, जे बिल्कुल एकदम पवित्र बाब हुआ वह समझ पाई, और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन, जे तनको अहंकार रखे बा ओके कभो न आई। वो यह कही कि राम जी खाली दशरथ के लड़का रहे कि भगवान का रहे। ठीक, तो आप लोग देखो डॉक्टर साहब, अब यह करो कान मन बुद्धि चीज साहब फोन आवला तो तू उसकी चल दे ले। कहे कि सबके सबके समरवे तेन न समरिए। पूरा लगा दे यहीं पे तब नहीं तो। ठीक, यहाँ तो यह हो गई चर्चा राम जी के साथ, और उधर क्या हो रहा है सुग्रीव किष्किंधा में, किष्किंधापुर में, कि यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा राम काजु सुग्रीव बिसारा। यहाँ श्री हनुमान जी ऐसा विचार करते हैं कि सुग्रीव ने राम जी के कार्य को भूल गया है, भुला दिया है। तो निकट जाई चरणनि सिरुनावा चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा। ध्यान दीजिए, तब हनुमान जी ऐसा विचार करते हैं और जा करके सुग्रीव के चरणों में सर नवाते हैं। राजा है भाई, है ना? और चारों प्रकार से माने साम दाम दंड भेद, यह नीति होती है राजा की, तो चारों प्रकार से हनुमान जी समझाते हैं। तो जब चारों प्रकार से समझाते हैं तो सुनि सुग्रीव परम भय माना अभिषय मोर हरि लिन्हे उज्ञाना। निशान लगा ले पर भाई, अब ध्यान दे, इधर देखा, यहाँ बुद्धि में बिठावो, संसार का एक भी विषय यदि आपके मन में आयल तो आप कितना भी बड़ा ज्ञानी रहो वो हरण हो जाए। सांसारिक विषय में मन रही तो ज्ञान का हरण निश्चित बा। यही से कॉलेज प्राइमरी में पढ़े हुई है कि परमारथ के कारण साधु धरा शरीर, तो परमारथ के लिए जब अर्थ छोड़ दे तब ने परमारथ जीवे। ठीक, तो वही है यहाँ परिस्थिति कि यह वाणी सुनकर सुग्रीव जी बहुत ही भयभीत हो गए और ऐसा बोले
कि विषयों ने श्री राम जी के कार्य को कल्याण हो भाई कल्याण हो विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया है, विषयों ने, इसलिए सांसारिक विषय से जिस दिन विराम देंगे उस दिन साधना शुरू होगी। और सोचे कि नहीं गुरु हम दोनों कर ले, न हुई ना होबे न करी। तो अब मारुति सुत दूत समूहा पठवहु जहां तहां बानर जूहा। तब घबरा गए सुग्रीव जी और कहते हनुमान जी अब जहां तहां बंदर के भेद पहले खोज करे बदे। हाँ तो कहूं पाख महू आवन जोई मोरे करता कर बध होई। सुग्रीव के पास बंदर लोग आ जाते हैं तो कहते हैं सुग्रीव जी कहते हैं कि जो एक पखवाड़े यानी 15 दिन के अंदर नहीं आया उसको मैं अपने हाथ से मार दूंगा। हाँ तब हनुमंत बुलाए दूता सब कर करी सन्मान बहुता। तो हनुमान जी जो है दूतों को बुलाए और सबका बहुत सम्मान करके कहते क्या है वही भय और प्रीति। अब भय अरु प्रीति नीति देख राई चले सकल चरण सिरनाई यही अवसर लक्ष्मण पुर आए क्रोध देखी जहां तहां कपि धाए। तो सबको जो है भय और प्रेम तथा नीति दिखला करके यानी समझा करके भेज दिए और सब बंदर लोग अपना चरणों में सिर नवा करके सुग्रीव के चल देते हैं। और उसी समय लक्ष्मण जी आ जाते हैं और उनको क्रोध युक्त देखकर सब बंदर जहां के तहां भागने लगते हैं। तो धनुष चढ़ाई कहा तब जारी कराऊं पूरे छार व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। ध्यान दीजिएगा आप है इसी तो लक्ष्मण जी का क्रोध जानते हैं सब, बाली का वध हो चुका है तो सबसे पहले आते हैं बाली कुमार अंगद जी। देखिए यही नीति को पकड़िए बाऊ के मारे हैं हम जहां तक कम से कम हमारे ऊपर दया करिए बड़ा क्रोध में है और सीधे सुग्रीव चला जाए तो क्या पता क्यों उड़ाई दे। हाँ क्या की गलती सुग्रीव के बाद तो किसको भेजते हैं बाली कुमार को। बाली कुमार माने अंगद माने कि लक्ष्मण जी धनुष चढ़ाकर कहे कि अभी मैं जलाकर नगर को राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए और आकर के क्या करते हैं ये देखिए नियम कैसे बन रहा है। तो चरण नाई सिरु बिनती कीनी लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। चरणों में सर झुका करके विनती करते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं डरो मत, अभय कर देते हैं कि डरो मत मैं मारूंगा तुमको नहीं। अक्रोधवंत लक्ष्मण सुनी काना कह कपी से अति भय अकुलाना। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी के क्रोध युक्त वाणी को सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल हो गया। सुग्रीव जी व्याकुल हो गए और
देखिए अब दूसरका नीति कैसे लगा रहे हैं कि सुनु हनुमंत संग लय तारा, ठंडा कर रहे हैं लक्ष्मण जी अंगद को भेजे और कर रहे हैं हनुमान जी तारा के लेके तू जा भाई, बड़ा गुस्साल भाई। करी विनती समुझाओ कुमार, कहते हैं कि राजकुमार लक्ष्मण जी को कल्याण हो भाई, कह समझा बुझा कर शांत करो। तो तारा सहित जाई हनुमाना, अचरण बांधी प्रभु सुजस बखाना। तब हनुमान जी तारा को लेकर के जाते हैं और चरणों में यही जो है कि हरिश्चंद भाई की तरफ प्रणाम करके तब जो है वंदना करती हैं तारा जी। तो देखा जब मेहरारू कुछ बोल दे लें तो गुस्सा सहनत हो जाला। ठीक, तब इसके बाद आते हैं सुग्रीव जी। देखिए कितना नीति है, पहले अंगद जी को, फिर हनुमान जी के साथ तारा को, और जब ठंडा हो गए तो करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। इस चटाई पर नहीं, पलंग पर, माने एक बढ़िया सिंहासन पे जगह दिए, मतलब कि विनती करके लक्ष्मण जी को ले आते हैं राजमहल में और चरण धो करके एक अच्छे आसन पर बैठा देते हैं। हनुमान जी लेके आते हैं, तब कपीस चरननी सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। अब देखिए तब सुग्रीव जी जाते हैं और उनको एकदम दंडवत करके झुक जाते हैं, यही होता है नाथ, और लक्ष्मण जी उन्हें उठा करके हृदय से लगा लेते। झुकने में कितना जो है बहुत माने विकराल समस्या को भी लोग समाधान कर सकते हैं, लेकिन आज कलयुग में झुकने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है। अब देखिए जो अगला लाइन है, आप जानते हैं, वो निशान लगाइएगा, आप जानते हैं कि राज मद से बड़ा कोई मद नहीं होता। जो राजा हो जाता है उसको ऐसा लगता है कि सब पूरी धरती मेरी हो गई है और मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा, ये बहुत बड़ा मद होता है भाई। अहंकार बहुत तगड़ा, अहम तो सभी को है, लेकिन सबसे बड़ा मद होता है राजमद। ठीक, ये बहुत बारीक है, इसको समझिएगा। और सुग्रीव जी यही बोलते हैं क्या कि नाथ है विषय समय मद कछु नाही, अब मुनि मन मोह करई छन माही। कहते हैं नाथ, हे स्वामी, विषय के समान कोई घमंड नहीं है, ए मुनियों के मन में भी भाई क्षण मात्र में जो है मद पैदा कर देता है। समझ में आ रही ये बात? जो ज्ञानी मुनि हैं, अगर उनको अगर भड़क गए, अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है, हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं, एक विषय आया तो तुरंत उनके अंदर अहंकार आ जाएगा कि हम ज्ञानी, और जहां हम हैं नाथ वहां पक्का पक्का समझ लीजिए कि ज्ञान नहीं रह जाता। बस विनती है झुक के कर सकेले कि प्रभु ये सेवक के अब जो है अहंकार मत आवे दे प्रभु। और जब उनके सामने झुकल अब है तो अहंकार के पास ताकत नहीं है कि वो आपके अंदर आ जाए। बड़ा गहरा गहरा सब बाजी। तो सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझावा। तो देखिए जैसे ही वो विनती करते हैं
सुग्रीव की वाणी सुन करके बिना युक्त अगर कोनो भी गलती हो जाए और विनती करे कि भा जाने अनजाने में तो हो गलना, अब तू मार दे या ते छोड़ो जाना लगती हो के फांसी लोग नहीं देते हैं भाई, जब पूरा का पूरा अपने आप के समर्पित कर दे हैं, अब एकर अर्थ ही नहीं बा कितनी से समर्पित करे और फिर मौका पाओ तो फिर निकल ले, ये काम करवा और दोबारा समर्पण करे जीवे तो मारू डली। तो वही है कि लक्ष्मण जी को बड़ा अच्छा लगा और बहुत प्रकार से समझाए। तो पवन तनय सब कथा सुनाई, अजेही विधि गए दूत समुझाई समुदाई। पवन तनय सब कथा सुनाई, यही विधि गए दूत समुदाई। जय श्री राम। कहते हैं कि तब जो है हनुमान जी अभी अभी भेजे हैं और कह रहे हैं क्या जानते हैं, अरे प्रभु हमने तो दूतों को भेज दिया है। बात सही है कि भेज दिए है, लेकिन वहां पर ये नहीं बताते कि अभी अभी ठीक तो सब बता दिए। और ये सब सुन करके लक्ष्मण जी का चित शांत हुआ। तो हरसी चले सुग्रीव तब अंगदादि सब, हरसी चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जहां रघुनाथ। तब अंगद और भी अन्य बानर लोगों के साथ सुग्रीव जी लक्ष्मण जी के साथ होते हुए कहां पहुंचते हैं, जहां पर श्री राम जी हैं। कहां पर हैं, कहां पर हैं करण जी, कोने पर्वत पर, नहीं उसने देखी ला कितना ध्यान से सुनल है, अरण नहीं नहीं ऋषि मुख पर नहीं है, ऋषि मुख पर्वत नहीं है, तू सब यहाँ बा तुरंत बोल सकीला, नहीं तू सब जो है कि अपन देखो कितना समय में था उसका बुद्धि काम कर रहा है, ई का सोच ले खाली गुरु जी पढ़े कहे हूँ परीक्षो ले ले है ना, नहीं भाई किस किंधा पर नहीं रहे आप तो नहीं रह काल तू रह ननकू भाई बतावे, एक मतलब कि दिमाग पास हो कहीं रहला ऐसे कि तहार मनवा कहीं रह ला ना मन में रही। डॉक्टर साहब ध्यान दे के फार्मूला बतावा चाहिए, वो जाना ला हाई स्कूल में पढ़ा जाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यह निश्चित है यदि आपका कान मन बुद्धि और चित इसमें रहेगा तो भूलेगा प्रवर्षण। तो देखे इतना देर में बुद्धि काम करे थे हाँ, प्रवर्षण पर जो है प्रभु विराजमान रहे तो देखा बुद्धि काम करे, लेकिन इतना समय ले इसने। और जानते हैं एक सेकंड के अंदर 14 अरब बातों में से आपको बात पकड़ लेना चाहिए, यह है आपके ब्रेन की कैपेसिटी वैज्ञानिक तरीके से। 14 अरब जो है तंत्रिकाएं होती हैं मस्तिष्क में, 14 अरब इतनी इतनी बातें आपको पता हो तो आप उसको एक पल में जो है प्राप्त कर सकते हैं। जैसे न्यूटन का तीसरा नियम है ना, क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, जनरल है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन,
देयर विल बी एग्जैक्ट एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एन एक्शन। रामदेव मस्तिष्क के भी क्षेत्र में 2 साल गुरु रहा न्यूरोबायोलॉजी में, तब पता हो। देखिए ध्यान दे भाई, आपका बुद्धि जब एक भी नकारात्मक बात सोचता है तो बुद्धि की ताकत 50% खत्म। 2 ठो सोचा तो 25% पे आ गए और 3 ठो सोचा तो 12.5% पर। आज आपके धरती पर जो नोबेल वैज्ञानिक हैं, उनकी बुद्धि मात्र 3% के अंदर काम कर रही है। और 99% माने 99% लोगों की बुद्धि 0.0001% काम कर रही है। दोरे में 10 सुनना लगा दे, ठीक नहीं, ध्यान दे, क्योंकि 0 के नीचे बहुत चले गए हैं ना। 0 का अर्थ का होला यो जान ले आप। किसी से किसी का अपकृति, अपकृति माने किसी का अनर्थ का सोच भी ना हो। जैसे ये सब बहुत आगे है, ये सब कम कम आपका बुरा नहीं सोच रहे, और आप लोग मनुष्य होकर के भी दूसरे का बुरा सोच लेते हैं ना, तो 0 के नीचे चले गए। 0 से 30 लाख गुना बुद्धि इस समय नीचे जा चुकी है जी। और जो लोग गुरु बन के बैठे हैं वो 30 लाख से भी ज्यादा है। आप लोग उनसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जहां जितना बड़ा स्थान होता है तो सम्मान मिलता है ना। एक पुत्र अपने पिता को सम्मान करता है, और करते करते जो गुरु है, जो सद्मार्ग देने वाले, वो तो मन वाणी कर्म से पवित्र होना चाहिए ना। ऐसे लोग श्रद्धा और विश्वास का भी कत्ल करके जी रहे, यह सब वैज्ञानिक तरीके से सब सिद्ध हो जाएगा आराम से। फिलहाल रामचरितमानस को आगे लेके चलते हैं। अब सुग्रीव जी आ गए तो नाई चरण सिरु कह कर जोरी, अनाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। डरते हुए आते हैं कि लक्ष्मण जी इतना क्रुधाल बने तो राम जी की कहाल हुई। हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज ने हमारे कोनो दोस्त नहीं बा। कहे इधर देखो क्या कही, झूठवादी हरिश्चंद्र की सत्यवादी। तू बता दे यार, ककरे हमें तौले में बतावे। अब चली हम तराजू ले आई, बटखरा झुटाई, तू सीधे सीधे बता नहीं देते। बन जा ठीक बा हरिश्चंद्र, कोनो बात नहीं, ध्यान दे। हाथ जोड़ के कह रहे कहते हैं कि हमारे कोनो गलती नहीं बना। कहे आपो लोगन कोनो गलती नहीं बा। अतिशय प्रबल देव तव माया, अछूट ही राम करहू जोदाया। ध्यान दे, आप लोग कितना माया से जकड़ा है एकर ज्ञान आप लोगन के नहीं बा। और सबसे प्रचंड माया बा भगवान के, राम जी का जो महामाया है, और वह तभी छूटती है जब आप दया करते हैं। यही सब जो है साधन से न हुई, जो लगा करके जो है आंख मूंद करके साधना लोग करो हैं, उसे ही काम न हुई। ये तभी छूटेगी जब आप दया करेंगे। आप माने वहां भगवान की बात हो रही है, लेकिन आप क्या करेंगे वो बता दे रहा हूँ। चतुराई छोड़ के, चतुराई छोड़ के, हाँ, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई,
अब भजत कृपा करी है रघुराई। अगर आप कहता कि हम का कर सकिला तो पूछिए कर सकल है। और कहते कि नहीं गुरु हम न छोड़ा चतुराई, हम वो कपट करा भगवान के साथ। भगवान के साथ जो कपट करी वो उससे बड़ा घोर पापी के बा। तो यहाँ पर ईश्वर के साथ कपट लोग कर रहे हैं नाथ। और ठीक ना, तू का कर समझ में आएगा। मन क्रम वचन तीनों से बड़ा बारीक बा। हाँ ये नहीं कि तन्नी सा सोच ले ही। नहीं तन्नी सा सोच मत ले, तन्नी सा सोचना तो कपट होगा। फिर से लाइन के सुन ले, या कोई भी संसार का जीव अगर कहता है कि मैं क्या करूँ अगर भगवान दया नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करिए? उसका जवाब यह है कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अब भजत कृपा करी हाँ रघुराई। यह शंकर जी की वाणी है कटने वाली। हाँ अब ताकत हो तो मन वाणी कर्म से अपन जो है कि जो चतुराई बा चमर चलाकी जी के कहल है हाँ ओके छोड़ के भजन करो। देखो भगवान कृपा करिए, क्या है कि शंकर जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा नाथ, बड़ा अच्छा प्रसंग है। सुग्रीव जी बता रहे हैं कि विषय बास्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। कहते हैं नाथ ध्यान दे, विषय के बस में देवता ऋषि मुनि और मनुष्य हैं, मैं तो गवार पशु हूं नाथ। अब ध्यान दीजिएगा, विषय के बाहर अगर कोई पुरुष यानी कोई भी शरीर जब आता है तब वह संत होगा ना नाथ। आज अगर विषय है आश्रम बनवावे के बा, बस्ती उजड़वावे के बा, हाँ अपन आश्रम फैलावे के बा, गाजा का अड्डा खोले के बा, और राक्षसन के अपने की यहाँ शरण देने के बा, अगर ये सब जेकर विषय हो जाई, समझ भैया यह समझो, ये सब जेकर विषय रहे वो गुरु कैसे हो सकल अंदाज। लालच हो गया ठीक ने। तो देवता मुनि और मनुष्य ये तीनों विषय के बस में होते हैं, लेकिन सत्संगत से कुछ भी हो सकता है। मनुष्य का शरीर ऐसा है कि अगर जब इतना रहे तो कह रहे हैं देवता लोग रहे मुनि लोग रहे हमसे क्या मतलब, हम न रहो। अगर प्रेरणा मिल जाता तो कोई आदमी निर्णय ले सकल है। बात से ननकू भैया तो ले लें ठीक कहे के साथ पर भाव हुआ मित्रवत भाव में, यहाँ कोनो गुरु शिला के बात नहीं बा। इतना बुद्धिमान है कि ठीक हो कोई कुछ करे, जैसे अब नहीं कि यह प्रेरणा मिला कि कितनों लोग बह बहे, अब अपने की नहीं अर्थ बा, लक्ष्मी से अग्नि से कोई के छुआ के नहीं बा, चार दीवारियों से मतलब नहीं बा, कोई आके मारी भा। तो आदमी का दृढ़ निश्चय वेल डिटर्मिनेशन ये सबसे पहला आधार होता हो, न्यूज के कॉल है फाउंडेशन। तो दृढ़ निश्चय करिए तो कोनो चीज हरिश्चंद्र भाई असंभव नहीं बा ठीक। और ओकरे बाद क्या बतावत है ध्यान दे कि नारी नयन सर जाहि न लागा, अघोर क्रोध तम निसी जो जागा। कहते हैं ऐसा मनुष्य ध्यान दे भाई बड़ा सीधा सीधा बा, जिसको युवती स्त्रियों के नेत्रों का बाण न लगा हो है ना, जवानी में सब भटक जाला ने, जिसको युवती स्त्रियों का बाण न लगा हो और जो घनघोर क्रोध में भी जाग रहा हो। अब देखिए भगवान के ऊपर कल चर्चा हो रही थी और क्रोध हुआ, फिर भी
शांति अवस्था में रहा शरीर, बताए समझाए कि भाई ऐसा करने का नियम, जो घोर क्रोध में भी जाग रहा हो और लोभ पास जे ही कर न बधाया, असो नर तुम समान रघुराया। लोभ के रस्सी में जिसका गर्दन न फंसा हो, लोभ के रस्सी में जिसका गर्दन न फंसा हो, तो ऐसा मनुष्य तो श्री राम जी आप ही के समान होता। तो गुरु के अंदर इतनी व्यवस्था होनी, जो भगवान को बताएंगे तो कम से कम उनका चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब ईश्वर की कृपा है कि और क्या। और कहते हैं कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। करण जी कृपा जो हो कोई कोई के मिला ला, ये सबके नसीब। अब हरिश्चंद्र भाई के कृपा इतना बड़ा मिला बा, और अगर एक ही धारण कर ले तो सब काम हो जाए, नहीं तो जैसे वो हनुमान जी के ना खूब हीरा मोती सोने होने के कुछ पहना देवागा, वो लगन कुकुट कुकुट के नोचे कि मैं राम जी बहन की नहीं फेंक दे। तो लोगों के पास कृपा भी जाता है तो कृपा भी नहीं लेने की क्षमता है न। खुद ही बता रहे हैं कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। करण जी यह कृपा हो न डॉक्टर साहब, कैसे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो नहीं कृपा बने तब तो संगत होता भाई। ई ध्यान दे हर एक बार वाणी के जहां से प्रश्न आई, कुल जो है व्यवस्था बा ते एक के जो ना खाली मत सोचे कि हुआ करण मास्टर साहब गए, एन एन हमें कुछ से थोड़ी लिया लगा रास्ते में मिला लहन बसारतपुर, कोई लेख नहीं अलबा, बस भगवान के शंकर जी के जो प्रेरणा मिला था और ई जहाँ शरीर आल वहाँ ई देखा के मिला कि यहाँ कम से कम कुछ बायन भक्त लोग, जहाँ रह हुआ वहाँ नहीं रहे। तो जहाँ जहाँ भक्त लोग रही है वहाँ वहाँ शरीर अपने आप है प्रेरणा के द्वारा चला जाय। हाँ कहे कि भगवान के तब बारीक व्यवस्था बा भगवान है कि वो सबके नशावत हैं, लेकिन अपने ऐसा गुप्त हैं कि उन्हें दीदी हरिहर ये तीनों लोगों के भी नचालन उन्हों से उनका मरम नहीं जान पाते। तो ठीक भाई भगवान के कृपा है, समझ में आया हरिचंद भैया कहो भगवान का कृपा। ये अब मत कहे कि कभी भगवान कृपा नहीं करे, भगवान मनुष्य का शरीर भी दे दे, बड़े भाग मानुष तन पावा आप लोग जानता है। अब तीन चीज बड़े भाग से मिला ला मनुष्य का शरीर, अब बड़े भाग पाईब सत्संगा, अब बिनही प्रयास हो या भ्रम भंगा। कहा कहता है कि लिया हुआ यज्ञ करे के बाद घी लिया हुआ साकला लिया हुआ, ये सब का ड्रामा नहीं बने, बिना प्रयास के ही भ्रम भंग हो जाता हो। अगर संत के साथ रहे पर अगर भ्रम नहीं जाता हो तो एक मतलब समझ ले कि संत ठीक नहीं। तो वो संत के शोक मोह संदेह भ्रम एकरे भरे रह चाहिए भाई। तो यहाँ कुछ नहीं, कुछ लोग अभी कल पता लगा कि ये सब जो बैठे हुए प्रपंची लोग ये सब ये बाणी बोल दिए हैं कि एक जन्म में मुक्तियां नहीं होती, ऐसे बोलने वाले राक्षस हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे बोलने वाले राम समझ भैया इन्हें समझो उन्हें राय दे, जो मनुष्य ऐसा बोल दिया कि एक जन्म में मुक्ति नहीं होती है वह मात्र राक्षस है,
और पापमय है वह कोई गुरु कैसे? भगवान शंकर जी की बाड़ी है कि जो न तरे भव सागर नर समाजी अस पाई अशोकृत निंदक मंद मती आत्मा हने गति जाय। यानी जो मनुष्य का शरीर पा करके भव सागर नहीं पार कर पाया वह कृतघ्न है, पापी है, निंदक है, निंदा के योग्य है और उसको आत्महत्या करने वाले की गति प्राप्त होती है। और आज के जितने पंथधारी हैं, जितने भी प्रपंच के पंथ निकले हैं, ये सब के सब यही बोलते हैं, सब के सब यही बोलते हैं कि एक जन्म में मुक्ति नहीं होती है। ये सब के सब पापमय पशु हैं। ऐसे पशुओं को जो है स्थान ऐसे जगह नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि संत के यहाँ लोग बड़ा श्रद्धा और विश्वास लेके जाते हैं कि चलो तो गुरु सही रास्ता बताई है। और जब वो पापी और पशु के समान लोग ऐसी बाड़ी बोलेंगे, ये शंकर जी की बाड़ी है, क्यों नहीं हट सकता है, क्यों नहीं मुक्त हो सकते हैं? ठीक, तो देखिए बता रहे हैं कि यह गुण साधन से नहीं होई। समझ में आई ये बात? ये बात समझ में आई शंकर जी की बाड़ी? तो आप लोग भवा कोशिश करो, धन वंश और नाम यहाँ कोई का रुके वाला हो नहीं, ठीक न? हाँ, तो मन से एकदम सेवक बन जा, बस मुक्त हो गई ला उनका, इतना छोटा सा काम बा ननकू भाई। हाँ, तब रघुपति बोले मुस्कुराई तुम प्रिय मोही भरत जिमी भाई। अब श्री राम जी देखिए, अरे तो बड़ा ज्ञानी है, भरत जी जैसा ज्ञान की बात कर रहा है, वही कर रहे हैं, मुस्कुरा कर बोलते हैं कि अरे भाई, अरे मित्र सुग्रीव, तुम तो मेरे भाई, मुझे भाई भरत जैसे प्रिय हो, लक्ष्मण जी के समान प्रिय कोई के नहीं बोले बहन। हनुमान जी से कहे कि तू तो लक्ष्मण जी से दुगना तो के हम प्रेम करी ला लेकिन भरत जी के समान, भरत जी से बड़ा कोई के प्रिय नहीं कहे बहन। तो ये ही विधि हो त हाँ। फिर कहते हैं कि अब सोई जतनु करहु मन लाई अजेहि विधि सीता कै सुधि पाई। कहते हैं कि अब मन लगा कर वही उपाय करो जिससे कि सीता की सुधि मिले, पता लगे कि कहाँ भाई। ठीक, तो जबकि जटायु बोल चुका है कि रावण चुरा करके ले जा रहा था, दक्षिण की ओर गया है। देखिए इसे कहते हैं नर लीला, उनको पता है, उनको क्या नहीं पता है, तो लेकिन वो आदमी बताओ। हाँ, हो रहा यही होता है चरित्र, मतलब नियम से हो, नियम से हो, इसे कहते हैं राजनीति। जान जी तो जय श्री राम, जय श्री राम। तो यही विधि हो बस कही आए बानर जू अनाना बरन सकल दिसी देखिए की से बरू। इसी प्रकार से बातचीत चल रही थी कि बानरों के यूथ झुंड के झुंड वो बटालियन पीएससी मिलिट्री जितना भी था चारों दिशाओं से, मतलब दसों दिशाओं से कह लीजिए, चार दिशा क्या, दसों दिशाओं से यूथ के यूथ आ रहे हैं झुंड के झुंड। और कहते हैं कि बानर कटक उमा मैं देखा असो मुरुख जो करने चहले खा। शंकर जी कहते हैं ये पार्वती
बॉर्डरों की वह सेना मैंने देखी थी और उसकी जो गिनती करना चाहे वो मूर्ख है। कैसे? बंदर है, फुदुक फुदुक के इधर उधर जाएंगे, कैसे गिनती करेंगे? हाँ, ध्यान दे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा विशेष विशेषता बा, क्या बा? कि आई राम पद ना वही माथा, अनिरखी बदनु सब हो ही सना था। सबके सब आकर के श्री राम जी के चरणों में सर नवाते हैं और उनका शरीर देख करके उनको ऐसा लगता है कि मेरे मालिक मुझे मिल गए। और जब किसी सेवक को उसका मालिक मिल जाता है तो बहुत खुश होता है। तो कहते हैं कि अस कपि एक न सेना माही, और राम कुशल जेही पूछी नाही। इतने यूथ के यूथ बंदर आए और उसमें से भैया अनंबा नाम का बा इच्छा, हाँ इच्छा राम भाई। देखो यह बा कि जितने आए यूथ के यूथ उसमें से एक भी बंदर ऐसा नहीं था जिसका हाल चाल प्रभु ने न पूछा हो। तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतना बड़ा समय लग गई। जी नहीं, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकारी, अब विश्व रूप व्यापक रघुराई। हर शरीर के अंदर वही तो है, उन्हीं के कारण आप बोल रहे हैं कि मेरा नाम इच्छा राम है। अगर वो ना होते भाई कैसे हम बोलते है ना? तो ये हम बोलता है। कौन बोलता है? हम और अहम में कोई अंतर नहीं। यह भाव डॉक्टर साहब सबसे बड़ा पढ़ाई पढ़ा देते हैं। क्या है कि BAMS और MBBS और MD आयुर्वेदा और MD मॉडर्न मेडिसिन, ये सब बच्चन के बायोकेमिस्ट्री पढ़ाए भाई BHU में, आईवाई स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिको में और यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी कोलंबिया में भी बहुत सब क्लास व्लास ले भाई। सबसे बड़का पढ़ाई यह भाई कि जब ज्ञान होते होते जीवने समय ये बात पता हो जाए कि भाई जितना आँखी से दिखा हो सब में भगवान है, यहाँ दूध कोई नहीं हो, अगर यहाँ कुछ है हो तो सब जने एक है भाई। माने द्वैत से अद्वैत, द्वैत से अद्वैत, अद्वैत माने हम सभी एक है बटले भाई, यही प्रकृति का बना भाई ने। अब प्रकृति दूठे तो नहीं बा है ना, अगर दूठ होता तो हर खेत को दूसरे ब्रह्मांड में हो वहां का अन्न खाते यही से। तो जब उन्हें समय अद्वैत का भाव हो जाए कोई समय ज्ञान दूर होई, दूठ कोई बटले नहीं बा जी। तो ठीक, ये ज्ञान समझ में आवा था? आगल सबसे बढ़िया बा, अगर आगल से अब कोई दूठे नहीं हो, कोई के ठगे की जरूरत नहीं बा, कोई दूसरे के ठगत उगत नहीं, अपने ठगोला सब, कोई दूसरे के अगर गलत सोचबा तो अपने पूछी। तो ठाड़े जहां तहां आय सुपाई, अकह सुग्रीव सब ही समुझाई, राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहू चहू ओरा। आज्ञा पा करके सब बंदर लोग अब उछल कूद नहीं कर रहे हैं, जहाँ के तहा खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा करके सुग्रीव जी कहते हैं के बानरों के समूहों, यह श्री राम जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है कि तुम लोग चारों ओर
जाओ। और क्या करना है कि जनक सूता कहूं खोजहूं जाई, अमास दिवस मह आए उ भाई। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आव आवई बनी सो मोही मराए। कहते चारों दिशा में जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो, और हे भाई महीने भर में ही वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए लौट कर आवेगा, उसे मेरे द्वारा उसका वध होगा। ठीक। तो बचन सुनत सब बानर जहां तहां चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव जी की बाणी सुनते ही सब बानर लोग तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब ध्यान दे, सुग्रीव जी अंगद नल नील और हनुमान आदि जो प्रधान योद्धा रहे बांदरों में श्रेष्ठ, उनको बुलवाए और कहते हैं कि सुनहू नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना।